प्लान क्या है? वर्ल्ड वॉर। तू सोच रहे कि निशा को यूरोप लेके जाए? फाइनली दोस्तों वरुण धवन की फिल्म बवाल को दोस्तों आज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 12 दिनों के टोटल व्यूज के बारे में और जानेंगे दोस्तों इस फिल्म ने टोटल कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और दोस्तों वरुण धवन के फैन है और उसकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हमने बवाल फिल्म को देखा है तो दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बवाल मूवी के बजट की। तो इस फिल्म को 50 करोड़ के बजट में बनाया गया है और दोस्तों बवाल फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 जुलाई को ग्रैंड रिलीज किया गया था और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नीतीश तिवारी ने। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के पहले दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बवाल फिल्म ने अपने शुरुआती पहले दिन व्यूज के अकॉर्डिंग टोटल 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के अभी तक अपने शुरुआती 12 दिनों के टोटल व्यूज के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक अपने शुरुआती 12 दिनों में 5.2 मिलियन यानी कि दोस्तों लगभग 52 लाख से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के व्यूज के अकॉर्डिंग टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक 52 लाख व्यूज में लगभग 105 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार है। और दोस्तों बवाल फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो चुकी है। और दोस्तों बात करें बवाल फिल्म के प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने दोस्तों रिलीज से पहले ही 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। और दोस्तों फिल्म और भी ज्यादा कमाई करती है तो दोस्तों फिल्म 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो आसानी से कर सकती है। और दोस्तों बवाल फिल्म के डेली अपडेट के लिए दोस्तों आपके अपने चैनल RM बॉक्स ऑफिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।